नागिन सिक्स का इस वीकेंड का एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते शो की कहानी नए सिरे से आगे जो बढ़ती नजर आएगी। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि अब कहानी प्रीति और राजवीर नाम के दो नए किरदारों के इर्द गिर्द घूमेगी, जहां प्रार्थना ही नाम बदलकर प्रीति बनकर रहेगी, तो वहीं नए मेल लीड के रूप में श्रेय मित्तल राजवीर के किरदार में नजर आएंगे। हालांकि अभी तक ये साफ तो नहीं है कि राजवीर का किरदार शो में पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, लेकिन अब कुछ ऐसे इशारे जरूर मिले हैं जिससे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राजवीर शो के नए विलेन हो सकते हैं। वेल, जैसे कि शो में दिखाया जा रहा है कि प्रार्थना के पास नौ मणियों की शक्तियां आ चुकी है, जिसके साथ ही वो बेहद शक्तिशाली नागिन बन चुकी है और सर्वश्रेष्ठ नागिन में भी सबसे ऊपर है। इसके साथ उसके पास वो पायल भी है जो बेहद खास शक्तियों से भरी हुई है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि प्रार्थना को सर्वश्रेष्ठ नागिन बनते ही अपने आराध्य भोलेनाथ से एक खास वरदान भी मिलने वाला है, ऐसी खबरें हैं। यानी कि प्रार्थना सभी नागिनों में सबसे ज्यादा महाशक्तिशाली नागिन होगी, लेकिन वो अपने माता पिता को खोने के बाद नई तरह से अपनी जिंदगी शुरू करेगी और अपना नाम बदल कर रहेगी। वेल, देखा जाए तो अब तक जितने भी लीड एक्टर नागिन सिक्स में नजर आए, शुरुआती कहानी में सभी नेगेटिव शेड में ही नजर आए हैं। ऐसे में अब राजवीर का प्रीति की जिंदगी में उस वक्त आना जब वो सबसे शक्तिशाली नागिन बन चुकी है, उसके पास मणियों और पायल समेत भोलेनाथ का वरदान है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राजवीर प्रीति की जिंदगी में उसकी शक्तियाँ, खासतौर से मणि हासिल करने के इरादे से एंट्री कर सकता है। वही नए ट्रैक में प्रीति का भी एक खास मकसद होगा, जिसके कारण वो नाम बदलकर आम लड़की की तरह जिंदगी जिएगी। हालांकि राजवीर का किरदार वाकई मणि का लालची इंसान होगा या फिर एक नेक इंसान, ये देखने वाली बात रहेगी और इसका खुलासा इस वीकेंड ही होगा। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजवीर एक आम इंसान ही होगा या फिर उसके पास भी नागिन की तरह सुपरनेचुरल शक्तियां होंगी, जिसके सहारे वो प्रीति पर हावी होगा, उसके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। पर फिलहाल तो राजवीर के किरदार को लेकर फैंस के बीच में तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या वाकई राजवीर नया विलन होगा या फिर हीरो, ये इस वीकेंड के एपिसोड से साफ हो ही जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में।